प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। गुरुवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके लिए स्टेट डिनर होस्ट करते हुए नजर आए। इसका मेन्यू भी सामने आ गया है। इसमें कई एक्सोटिक डिशेस के साथ मिलेट से बने व्यंजन भी शामिल किए गए। स्टेट डिनर में मोदी को नींबू, दिल, दही सॉस, कुरकुरा बाजरा केक, समर स्क्वैश, मसालेदार बाजरा, ग्रिल्ड मकई और कंप्रेस तरबूज, टैंगे एवोकाडो सॉस, भरवा पोर्टेबल मशरूम, मलाईदार केसर वाला रिस्टॉर्ट और गुलाब और इलायची वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा गया। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पिछले 1 हफ्ते से इस डिनर की तैयारी को मॉनिटर कर रही थी। उन्होंने गेस्ट शेफ के तौर पर कैलिफोर्निया की शाकाहारी शेफ नीना कर्टिस को चुना। शेफ नीना व्हाइट हाउस के शेफ क्रिस कॉमोफोर्ड और सुसी मॉर्सन के साथ मिलकर डिशेस तैयार करती हुई नजर आई। बोथ ऑफ आवर कंट्रीज, एज सम ऑफ यू मे नो, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेजिटेरियन, सो वी आस्क्ड शेफ नीना कर्टिस, अ प्लांट बेस्ड पायनियर, टू वर्क विद आवर व्हाइट हाउस शेफ्स एंड क्रिएट अ स्टनिंग वेजिटेरियन मेन्यू। Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. पीएम मोदी के लिए तैयार हुआ शाकाहारी भोजन। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, इसलिए स्टेट डिनर में वेज खाने पर ज्यादा फोकस किया गया। यही वजह है कि जिल बाइडेन ने शेफ नीना कर्टिस को चुना। वो अमेरिका में वीगन यानी कि वेज खाने के लिए सबसे बेहतरीन शेफ मानी जाती है। शेफ नीना ने कहा कि हम इस बात से बहुत उत्साहित थे कि भारत इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है। हमने अपने मेन्यू में भी मैरिनेट बाजरा को शामिल किया। अब अमेरिका के स्टेट डिनर की परंपरा को समझते हैं। स्टेट डिनर का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति आवास यानी कि व्हाइट हाउस में होता है। स्टेट डिनर का आयोजन अक्सर किसी देश से नजदीकी दिखाने के लिए किया जाता है। व्हाइट हाउस हिस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक किसी देश के स्टेट हेड के सम्मान में आयोजित होने वाला राजकीय भोज अमेरिका के सबसे भव्य और सबसे ग्लैमरस कार्यक्रमों में से एक है। अमेरिका स्टेट विजिट पर आने वाले मेहमानों को डिनर के जरिए पारंपरिक तौर पर सम्मान देने का तरीका भी है। अमेरिका में स्टेट विजिट की परंपरा 1800 ईस्वी में शुरू हुई थी। शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, सांसदों या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को स्टेट विजिट पर आमंत्रित किया करते थे। बाद में विदेशी मेहमानों को स्टेट विजिट पर बुलाने की परंपरा शुरू हुई। स्टेट विजिट पर आने वाले मेहमानों को शुरू से स्टेट डिनर की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट के लिए बुलाया। इससे पहले 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को स्टेट डिनर के लिए बुलाया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात घंटे भर में खत्म होनी थी, लेकिन बाइडेन ने उसे देर रात 12:30 बजे तक जारी रखा। इस दौरान वो सूडा पीता रहे। स्टेट डिनर के दौरान उनसे पूछा गया कि उनके देश का सबसे लोकप्रिय खाना क्या है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि हॉट डॉग, आइसक्रीम और स्पेगेट हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।